नमस्कार दोस्त, इसको एक फीडबैक बोलते हैं। ये देखो, एक फीडबैक है, एक मादी कबूतर है। इसका अभी 10 मंथ हुआ है। इसको फील देखो, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, 2.5 पैच का है फीडबैक, ठीक है। एक सादा व्हाइट कलर का है, एक मादी है, ठीक है। ये भी एक फीडबैक है, ये भी एक मादी कबूतर है। इसको शेडल कहते हैं, ब्लैक शेडल। ये भी 10 पर का है, ठीक है। इसका भी फील क्वालिटी देखो, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। ये देखो क्वालिटी, देखो इतना अच्छा क्वालिटी, जबरदस्त क्वालिटी है यहाँ पे। ये देखो क्वालिटी है। इसका पैर का पंजा भी देखो, और इसका फील क्वालिटी देखो आप लोग, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का है। बहुत सारा फीडबैक मिलता है, ठीक है। जब मिलता है 1 पैच का, 1.5 पैच का फीडबैक, 2 पैच, 2.5 पैच का फीडबैक। मेरे पास जो क्वालिटी है ना, सब 2.5 पैच का है, ठीक है। प्राइस इसका जो फील है, इसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये प्राइस होगा, जो 1.5 पैच होगा, 2 पैच होगा, सबका, सब पैच का, 2.5 पैच जो है ना, 2.5 पैच का जो फीडबैक है, उसका रेट इंडिया में ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, जो 1.5 पैच 2 पैच का है, वो कबूतर ज़्यादा प्राइस में नहीं होता है, लो प्राइस होता है, ठीक है। और जो मेरे पास है, सो 2.5 पैच का फीडबैक है। इसके डाइट चार्ट में थोड़ा बताइए, डाइट क्या लेता है या खाने के बारे में थोड़ा बताइए। और इसका जो खाने के तरीके, वो मैं शाम में देता हूँ, गोम देता हूँ, बजरा देता हूँ, माइला देता हूँ, हिटका देता हूँ, कुसुम दाना देता हूँ, और सुस्सा भी देता हूँ। ये सब देता हूँ खाने में लिए, सुबह और शाम दो टाइम दो खाना, टाइम खाना देता हूँ। और इसका रिक्वायरमेंट क्या बारे, टेम्परेचर वगैरह में थोड़ा बताइए। टेम्परेचर कैसे रखना है इसे, सर्दी में या धूप में कैसे रखना है इसे जो थोड़ा धूप बताइए। में ना, इसका ये बता, जहाँ जहाँ पे जो लोग रहते हैं, उसका जो टेम्परेचर है, एक उधर ठंड बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसको ठंड में नहीं रखना, गर्मी में रखना तो बहुत अच्छा होगा। और ज़्यादा भी गर्मी नहीं देना, क्योंकि पायरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा थपथपा रहता है।
कबूतर का विटामिन जो है ना, मैं 7 दिन देता हूँ, विटामिन देता हूँ, कैल्शियम करता हूँ और कृमि भी डोज करता हूँ। पर 6 मंथ में मैं एक बार कृमि का डोज करता हूँ। अच्छा, मेरे हमारे जो व्यूअर्स है, किसी को भी ये पक्षी चाहिए तो आपका डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दिया जाए क्या? हाँ दे सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। ये इसका चिक्स आपके पास अवेलेबल है? अभी नहीं है, 1 मंथ 2 मंथ में मिल जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों, ऐसे अजीबोगरीब पक्षी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा वीडियो नया वीडियो छोड़ने से आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और दोस्तों, हम ऐसे अजीबोगरीब पक्षी लाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े